फोटो के लिए कहते हैं कि कैन आई टेक अ फोटो, मैंने कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, 35 आर्म भी, यू कैन से इंदू, इंदू। तो भाइयों ये फुट मसाज देने का कुछ कुछ कार्यक्रम चल रहा है, आई गेस दिस इज ओवरसीज बायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस, 33 USD। तो शी इज इन द वीडियो, प्राइस ये नेक पिलो पहनाने के बाद ना, ये इसमें अंदर ना कुछ मसाजर टाइप लगे हुए हैं जो ये देखो भी अपने आप ही मसाज कर रहे हैं ना, रिसेप्शन रोबोट। ऑटोमेटिकली सारी मशीनें अपने आप ही चले जा रही हैं, फुली ऑटोमेटिक। पिक्चर खुला हुआ है और वो सेम पिक्चर इधर प्रिंट हो रहे हैं, यही सब टैटू छप रहे इधर। देखो ये बंदे को देखो भाई कैसा बैग है, ऐसा लग रहा है किसी फैक्ट्री में आ गया हूँ। ये डी ब्लॉक से निकले भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं कैंटोन फेयर में। ये हम मेट्रो से बाहर निकल गए हैं और ये है कैंटोन फेयर ग्लोबल, जो अटेंड करने के लिए या जो एक पार्ट है मेरी इस ट्रैवल जर्नी का चाइना में, तो उसके लिए हम इधर जिंग गैंग डोंग स्टेशन पे उतर गए। अभी एग्ज़िट करते हैं, एग्ज़िट करने के लिए भी सेम QR कोड ही लगेगा, यही QR कोड है। ये पता नहीं इसमें कौन कौन सा कार्ड वार्ड डाल डूल के मैंने कर तो लिया है। हाँ खुल गया। और कितना कटा है? सिर्फ 2 युआन, 2 युआन मतलब कोई 22 रुपए के आसपास। ये मैसेज भी आ गया, चाइनीज़ में आया, और थोड़ी देर बाद न्यू ग्लोबल से भी आ जाएगा कि जी आपके 22 रुपए कट गए हैं। जैसे मैंने बस ली और मेट्रो ली, दोनों के 2 युआन कटे हैं, मतलब 22 के आसपास रुपए कटे हैं। आई गेस दिस इज ओवरसीज बायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस एरिया डी, और यही कहीं से एंट्री भी रहेगी। ये यहाँ पे एंट्री है, तो यहाँ से हमने एंटर किया है कैंटोन फेयर को। दिस इज द एंट्री पॉइंट, कैमरा लगा हुआ फ्रंट पे, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स भी आ गई, मतलब कार्ड लगाया सारी डिटेल्स आ गई वहाँ पे। सो आफ्टर सिक्योरिटी दीज आर द 3 ब्लॉक्स, एक उधर दिख रहा है आपको, एक ये हो गया, एक यहाँ पे है और ये काफ़ी आगे तक है। इनफैक्ट जो आपको ये ब्रिज टाइप दिख रहा है, ये जाके राइट साइड पे भी कैंटोन फेयर का एक कॉम्प्लेक्स है। तो मतलब ये ना ब्लॉक्स में है, यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं और अलग अलग ब्लॉक्स में आपको अलग अलग आइटम की डिटेल मिलने वाली है। तो भाइयों कैंटोन फेयर जो है वो 3 फेजेस में लगता है, Phase 1, Phase 2, Phase 3। Phase 1 5 दिन तक चलता है, जिसमें मेजरली आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, मशीनरी इक्विपमेंट्स, मशीनरी और ऑटोमोबाइल सेक्शन भी इसी फेज में लगता है। उसके बाद 3 दिन का गैप होता है और फिर Phase 2 लगता है। Phase 2 में जनरल सेरामिक्स, आर्टवेयर, होम डेकोरेशन, गिफ्ट्स, प्रीमियम फेस्टिवल प्रोडक्ट्स और ये सारे आइटम्स आपको Phase 2 में मिलने वाले हैं। फिर Phase 2 के बाद 3 दिन का गैप रहेगा और फिर Phase 3 लगेगा। Phase 3 में भी ये सारे आइटम्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे टॉयज, क्लोथिंग्स, शूज, कारपेट्स, फूड्स, इन सबसे रिलेटेड ऑफिस सप्लाईज, इन सबसे रिलेटेड आपको आइटम जो है वो Phase 3 में मिलने वाला है। Phase 1, Phase 2, Phase 3 ये सारा का सारा आपको इन्हीं चारों ब्लॉक्स में कैंटोन फेयर के दिखने वाला है। तो ये कैंटोन फेयर में यूजुअली 4 हॉल्स में लगता है कैंटोन फेयर, जिसमें से ब्लॉक ए पहला रहता है, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी। इनके बीच में इस सड़क पे मेट्रो लाइन जारी होती है, जिससे आप जाके इस कैंटोन फेयर को अटेंड कर सकते हो। तो ये चारों हॉल्स ए बी सी डी बाद में जाके ब्लॉक्स में और फिर बूथ्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे सपोज आपको फेस्टिवल प्रोडक्ट्स के किसी हिस्से में जाना है, तो उसके लिए आपको 1.1, 6.1 और 6.0 ब्लॉक में जाना रहेगा, जो कि एरिया ए के हॉल में रहेगा। मतलब आपको यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे फेस्टिवल प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। सिमिलरली आप बाकी सारे आइटम्स के लिए
अलग अलग हॉल्स में और ब्लॉक्स में जा सकते हैं। चारों हॉल्स का एक साइट मैप बना हुआ है। इस साइट मैप में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं वो आपको नज़र आ जाएगा। सपोज आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क जाना है तो आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जा सकते हैं। आपको बायर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है तो आप रजिस्ट्रेशन हॉल में यहाँ पे आ सकते हैं, जो कि एरिया हॉल डी में मिलेगा आपको। ऐसे ही बाकी चीज़ें भी आप इस साइट मैप से देख पाएंगे। यूजुअली आपको मेट्रो स्टेशन जिंग गैंग डोंग जिससे आप एंट्री करेंगे वो यहाँ पे नज़र आएगा, और जो पजोहो स्टेशन है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इन दोनों मेट्रो स्टेशन की हेल्प से आप इन चारों एरियाज को एक्सेस कर सकते हैं। हॉल सी को आने के लिए आपको एक फुट ओवर ब्रिज मिलेगा, जो कि आप ए ब्लॉक या बी ब्लॉक से ले सकते हैं और हॉल सी तक आ सकते हैं। लोग यहाँ पे बाकी सारी कंट्रीज से आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए मार्केट को, कि चाइना एक्चुअल में बना क्या रहा है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, राइट। तो जैसे ये है एंट्री पॉइंट, देखेंगे ना यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए हैं टू अटेंड दिस कैंटोन फेयर, राइट। सो दिस इज़ हॉल नंबर वन एंड हॉल नंबर टू। हॉल नंबर वन इज़ फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स, हॉल नंबर टू इज़ फॉर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस, राइट। इंटरनेशनल पवेलियन है ये। अब यहाँ पे आप एंटर कर जाओ, यू विल गेट नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे अब आपको यहाँ पे दिखेगा ये गुआंगझोउ सी लिंक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, माइक्स का पूरा शॉप है भाई इधर। आगे वहाँ पे लाइट्स का है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये है ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ही मिलने वाली हैं। ये कुछ कुछ प्योर हीट ह्यूमिडिफायर है, कुछ कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो हेयर स्ट्रेटनर चीज़ें हैं वो है, कुछ यूटेंसिल्स भी हैं। दे ऑल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, राइट। यहाँ पे और कुछ भी नज़र तो आ रहा है, पता नहीं, बहुत सारे रही रैकेट्स हैं मच्छर मारने वाले, छोटे छोटे स्मॉल फैंस हैं, सिर्फ नंबर ऑफ थिंग्स है। द कॉस्ट ऑफ दिस एयर फ्रायर, तो भाइयों ये एयर फ्रायर 3 लीटर का है, ये वाला एयर फ्रायर 3.3 और 5 लीटर्स। तो जो 3 लीटर्स का है उसका प्राइस मैडम ने मेरे को बताया है $18.1 या $18.1। तो अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं करेंसी में, लगभग लगभग जो प्राइस चल रहा है, तो इट बिकम्स 1494, 1500 रुपये में। वेरी चीप। दिस वन इज हाउ मच? ओ दिस इज ऑफ $16। ओ दिस इज 16.3। दिस बिकम्स ऑलमोस्ट 1328 इन इंडियन नेशनल रुपीज, ओनली 1300। Oh, this is little bigger in fact. Bigger. Oh. Five. मैं छोटी दुकान पे इसलिए आया हूँ क्योंकि आप सब लोग रिलेट कर पाओगे कि जो प्राइसिंग यहाँ पे है किसी भी प्रोडक्ट की, वो प्राइसिंग एक्चुअल में हमारी कंट्री में लगभग क्या है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज ब्रांडिंग्स कि ये ब्रांड कौन से हैं, लेकिन स्टिल जो भी ब्रांड है उसके हिसाब से आप प्राइस का अंदाज़ा लगा ही सकते हो। दिस इज़ वर्किंग लाइक दिस। द प्राइस ऑफ दिस हाउ मेनी डॉलर्स? $27. Up and down. Right. So the price of this particular product is $27 or $28. This is steam hair straightener, right? This is working with that plug, and this is cordless. So this is cordless, and the one he was using earlier is having cord. So steamer, right? भाई इनको ना फोटो चाहिए था, तो एक फ़ोटो के लिए कहते हैं कि कैन आई टेक अ फोटो। मैं ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, हमारे साथ कौन फोटो लेना चाहता है, फिर भी ले रहे हैं। थैंक यू भाई। एक शॉप और है ये पोर्टेबल टीवी की, पोर्टेबल टीवी, डीवीडी प्लेयर तो खैर मिलते नहीं है, लेकिन पोर्टेबल टीवी और पोर्टेबल रेडियोज का एक शॉप है। व्हाट इज दिस? टीवी पोर्टेबल। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? कॉस्ट यूएसडी $33. Which country? India. India. हाँ, ये $33 का है सिर्फ। $33 कितना हो गया? Around 3000 rupees. तो 3000 rupees में you're getting this. It's a very nice, good display, 4K display.
भाई जो ये कह रहे हैं ना कुछ समझ तो आ नहीं रहे, पर मुझे प्राइस का अंदाजा लग गया है प्राइस पूछ के कि ये $33 का है, नियर अबाउट 3000। तो 3000 में आपको एक डिस्प्ले मिल रहा है जिसपे आप USB चला सकते हो और डिफरेंट इसमें हेडफोन लगा सकते हो, बाकी और भी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ऊपर से कोई और एक डिफरेंट टाइप का कनेक्टर आता है वो भी लगा सकते हो। तो 4K क्वालिटी है इसकी एंड आप देख लो बस 3000 में मिल रहा है। मेरे हिसाब से शायद आप अगर बल्क में बिजनेस रन अप करना चाह रहे हो तो और भी सस्ता हो जाएगा। व्हाट आर दीज थिंग्स? This is what? Solar blanket. Yeah. How does this work? Solar blanket है भाई, solar blanket हाँ. Solar blanket. You can use it to detox. To detox. Okay. It is used for detox purpose भाइयों. तो भाइयों ये foot massage देने का कुछ कार्यक्रम चल रहा है. I don't know कितना effective है. भाई कुछ display भी आ रहा है इसमें. पता नहीं क्या डिस्प्ले है लेकिन कुछ तो डिस्प्ले है। ओके भाइयों ये वही गजट्स की छोटी छोटी एक्सेसरीज हैं जिनको हम अपने यहाँ पे खरीदते हैं ना, ये सारे चाइना से ही एक्सपोर्ट होके जाता है हमारे लिए। अब ये पता नहीं किस प्राइसिंग पे है, दिस आई विल हैव टू आस्क देम प्राइस। थ्री आर एम बी। ओके सो भाइयों ये 3 RMB मतलब कोई इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 RMB होती है 12 रुपये की, तो ये कोई 3 RMB बिकम्स अराउंड 36 रुपीज़ और लेस देन दैट। तो भाइयों 35 रुपीज़ में है ये, जब मैंने ऐसी रैंडमली पूछा है। इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर योर बिजनेस ट्रिप तो आप ऐसी मल्टीपल खरीद सकते हो, शायद ये आपको और भी सस्ती पड़ जाए 3 RMB। इंडिया में भाई साहब ये आपको 250-300 से कम नहीं मिलेगा, आप फिर बार्गेन करोगे तो वो 100 में दे देगा शायद, लेकिन 50 में तो ये मुश्किल है। ये यहाँ से 35 का मिल रहा है बस। ₹10,000 का पावर बैंक है, हालांकि है बड़ा स्लिम सा। इज दिस डिस्प्ले और व्हाट? दिस इज डिस्प्ले, पावर बैंक का डिस्प्ले भी आ रहा है भाई, 80% बचा हुआ है। तो भाई एक इस वाले स्टॉल पे डॉलर प्राइस, यू टेल मी द डॉलर प्राइस भाइयों इसका। ये इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है मिशेल करके, $5 फॉर दिस ईयरफोन, ब्लूटूथ ईयरफोन। दिस बिकम्स हाउ मच? ओनली 400, नियर अबाउट 400 इंटरनेशनल रुपीज़, राइट? ठीक ही है, मतलब 400 रुपये में आपको मिल रहा है तो, और आप यहाँ से ना बहुत सारी सस्ती सस्ती चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज दिस इज़ इन चाइना। तो शी इज़ इन द वीडियो, शी इज़ हैप्पी। बस एक ही रो घूमा है स्टॉल का, उसमें बहुत टाइम लग गया। अगर आप सारा घूमने का सोचो और एक्चुअल में अगर आप बायर हो तो सही से इंक्वायर करोगे तो यू नीड एम्पल टाइम। ये एक ब्लॉक का एक हिस्सा है, ऐसे 15 हॉल हैं। ये हॉल नंबर 2 है, 1 है जिसमें एंटर किया है। ऐसे 15 हॉल हैं और 15 हॉल में पूरा यही सब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इन सब का ही डिस्प्ले है। 5 दिन तक सोचो आप घूम ही नहीं पाओगे। भाइयों ये कुछ नेक पिलो पहना दिया है भाई ने, एंड ये नेक पिलो पहनाने के बाद ना ये पूरा का पूरा अंदर है, कुछ मशीनरी टाइप है, सो इट इज़ गिविंग यू लिटिल मसाज ओवर योर नेक। जब आप इसको पहनोगे तो आपके गर्दन पे पीछे की तरफ ना पूरा मसाज कर देगा। बड़ा नॉर्मल सा लग रहा था लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि अंदर ही अंदर हल्की हल्की सी मसाजिंग चल रही है, थोड़ी नींद सी भी आने लगी थी। मैंने प्राइस पूछा है भाइयों, $19 $20 मतलब कोई 1600-1700 के आसपास का, $19। कोई 1700 रुपये के आसपास का है। इसमें अंदर ना कुछ मसाजर टाइप लगे हुए हैं जो कि आपके गर्दन को या नेक को पूरा मसाजिंग दे रहे हैं। अभी इन्होंने मेरे को दूसरा पहना दिया है, तो ये कुछ और भी लेके आ गए हैं।
What is this? This is for neck and shoulder. ये भाइयों neck और shoulder के लिए है, ये एक बार लगा के देखते हैं, फिर पता लगेगा। अभी ये कुछ ना shoulder type का massage वाला कुछ एक item है, आप देख रहे हो पीछे movement हो जा रही है उसमें automatically, charging basis पे काम करता है, इसको charge करके रख लो और फिर ये slowly slowly आपकी shoulder को और neck को जो है massaging देता रहेगा। इसमें बटन बटन भी लगे हुए हैं पूरे यहाँ। 19 ओ भाई $19 में, मतलब कोई 1700-1800 रुपए के आसपास का मिलेगा आपको ये। भाइयों अब थोड़ी सी हाईटेक जगह है यहाँ पे, दिस इज रिगार्डिंग जैन जेनरेटेक चाइना लाइक एंड दे हैव दिस रोबोट्स राइट लाइक दिस। How does this work? It's a reception robot. You can reception robot. Yeah, you can make a conversation. तो जी आज अपना कैंटोन फेयर में सेकंड डे था, आप देख रहे होंगे कि सेकंड डे पे कितना ज़्यादा रश है, शाम के टाइम 6 बज गए यहाँ पे एंड पीपल हैव कम आउट ऑफ द कैंटोन फेयर राइट, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द एम्बियंस एंड वाइब्स ऑफ दिस सिटी गुआंगझोउ एंड द कैंटोन फेयर ओवर हियर। तो यहाँ पे भाइयों अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं जस्ट टू अटेंड दिस कैंटोन फेयर। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, शिपिंग की इन्फॉर्मेशन, हाँ सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आप देखो कि जिस कंट्री में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ये सारी चीज़ें बंद है उस कंट्री में, उसके बावजूद भी, मतलब इतनी इंट्रोवर्ट कंट्री है उसके बावजूद भी सारी जगह से लोग जो है इधर आते हैं और इस कैंटोन फेयर को विज़िट करते हैं। अभी ये है ए ब्लॉक जहाँ पे मैं हूँ, ऐसे चार ब्लॉक है टोटल ए बी सी डी, तो चारों ब्लॉक में थाउजेंड्स ऑफ सप्लायर्स हैं, आप सारे तो घूम नहीं सकते, तो यहाँ पे फिर सारे के सारे सप्लायर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको किसी एक पॉइंट से अगर लेनी है तो वहाँ मेरे पीछे एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जो भी वहाँ पर फेज़ वन में हो या फेज़ टू में हो, जो भी सप्लायर्स, वेंडर्स या फैक्ट्रीज आपको उन बूथ्स में मिलने वाली है, उनकी सबकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर लगे हेल्प डेस्क से, जो कि कैंटोन फेयर में बहुत जगह पे लगे रहते हैं, वहाँ से आप ये सारे कैटलॉग ले सकते हैं। जैसे ये फेज़ वन के ए हॉल के, बी हॉल के और ये फिर सी हॉल के और डी हॉल के कैटलॉग्स हैं, ऐसे ही फेज़ टू के कैटलॉग्स भी आप ले सकते हैं और फेज़ थ्री के कैटलॉग्स भी आप ले सकते हैं। इनमें आपको किसी भी सप्लायर से रिलेटेड या फैक्ट्री से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट्स, सारी चीज़ें आपको इनमें मिल जाएंगी। यहाँ इन्फॉर्मेशन सेंटर से आपको एग्जैक्टली ये मिल जाएगा कि कौन से हॉल में कौन सा सप्लायर लोकेटेड है, और यहाँ से आपको हर एक सप्लायर की डिटेलिंग अगर चाहिए तो आपको चार बुकलेट यहाँ से मिलेंगी और वहाँ उन बुकलेट्स में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके सारे के सारे सप्लायर्स की जो भी चारों ब्लॉक्स में हैं। तो ये ए ब्लॉक है और ए ब्लॉक में 6.1 बिल्डिंग है, तो आप देख रहे हैं ये सारे के, ये कोई मॉल नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है, ये एक कैंटोन फेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो सारी जगह से इधर लोग आते हैं, चाहे कोई भी कंट्री हो, बीट यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, तो इधर जितने भी सप्लायर्स हैं आपको सप्लायर्स के साथ साथ अगर सप्लायर्स के अलावा ये चाहिए कि ये यहाँ से आप सामान लेने के बाद कैसे इंडिया में उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा सकते हैं, तो यहाँ आपको अलग अलग इसी ब्लॉक में आपको शिपिंग कंपनीज भी मिल जाएंगी चाइना की, जो आपकी हेल्प करेंगी सामान को चाइना से इंडिया या जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं वहाँ के शिपिंग अरेंजमेंट में। नमस्ते, नमस्ते।
ग्रेट. अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कैंटोन फेयर, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द टेक्स्ट बॉक्स और इन द कमेंट्स. आई विल लेट यू नो द एंटायर डिटेल्स. राइट, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा. तो भाई अभी हम डी ब्लॉक के लिए जा रहे हैं. डी ब्लॉक में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन वाला ब्लॉक है और इस वाले ब्लॉक में काफ़ी चीज़ें ऐसे मिल सकती हैं जो इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के लिए यूज़ हो रही है आजकल के टाइम पर. सो यहाँ पर इनका इवेंट शेड्यूल भी लगा हुआ है. जो लोग इधर आना चाहते हैं वो इनके साइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करें. उस रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलने में हेल्प हो जाएगी एंड देन यू कैन कम हियर विद दैट रजिस्ट्रेशन इनविटेशन लेटर एंड कैन एक्सप्लोर दिस कैंटोन फेयर. भाइयों ये क्या है, ऑटोमेटिकली सारी मशीनें अपने आप ही चले जा रही हैं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन. सब कुछ ऑटोमेटिक ही नज़र आ रहा है. वो अपने आप ही अपनी जगह पे चला गया, इधर बीच में था पहले एंड दे आर मूविंग देमसेल्स. ये आगे पीछे मूव कर रहा है, कोई तो प्रोग्रामिंग इनकी हो रखी है या समबडी इज़ कंट्रोलिंग देम, बट ये ऑटोमेटिकली सामान को इधर उधर ले जाने का काम कर सकते हैं. ये देखो ये वाला, ये सिस्टम इससे बाहर निकला. से दिस ऑटोमेटिक रिबोट एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे सामान तो भी कुछ तो रख रहा है. फुली ऑटोमेटिक. तो कैसे पता लग रहा है कि अगला उठाना है और वो अगला उठा के फिर सही जगह पे रख रहा है. एकदम ग्रेट ऑटोमेशन. ये क्या डायनासोर से बनाकर रखा हुआ है इन्होंने, सारा ही डायनासोर सा लग रहा है या कोई एकदम खतरनाक सा एनिमल लग रहा है, डेंजर. बट दिस इज समथिंग रिगार्डिंग मेटल कटिंग. ये कोई ऑटोमेटेड मशीन है जिसके अंदर सारी मेटल कटिंग हो रही है. ये भाइयों लेज़र इंग्रेविंग मशीन. कुछ तो भी लैपटॉप पे पिक्चर खुला हुआ है और वो सेम पिक्चर इधर प्रिंट हो रहा है. ग्रेट, दिस इज़ व्हाट वी कॉल पोर्टेबल फाइबर लेज़र इंग्रेविंग मशीन. ये तो पंखे नहीं है, पंखों के दादा पर दादा लग रहे हैं. इन सारे इंडस्ट्रियल फंक्शंस में ही यूज़ हो सकते हैं मेरे हिसाब से. ये सब घर पे तो कौन ही लगाएगा इतना बड़ा पंखा. कई लोगों का तो कमरा इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा ये पंखा है. ओके भाइयों, इससे बॉटल्स में ना लिक्विड भरा जाता है. ये सारे के सारे जो आपको पाइप्स नज़र आ रहे हैं स्टेनलेस स्टील के, और फिर बॉटल में भर के कैपिंग वगैरह हो के. दिस इज़ फॉर लेबलिंग. राइट, इधर भाइयों लेबल लग जाता है इस पर. ये देखो ऐसा कुछ लेबल लग जाएगा जो भी लगाना है आपको. अच्छा ये भी फिलिंग है. राइट, ये भी एक फिलिंग कोई दूसरी मशीनरी है. तो यहाँ पे भी फिलिंग होती है, जैसे ये फिलिंग हो गई है बॉटल्स की, ये कैपिंग. तो भाई वो पहले जो हमने दोनों मशीनें देखी हैं दोनों में फिलिंग है, फिर अब कैपिंग है और उसके बाद ये लेबलिंग है. व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दीज मशीनरीज? All of our machine, all you customize according your needs and according your filling rate and filling speed. Now you don't tell me the filling the product of you. Okay. So, No, I cannot give you. Right. ये कह रहे हैं भाई हो कि इनको पता नहीं है कि हमारा क्या प्रोडक्ट रहेगा, उसके हिसाब से ये कस्टमाइज़ करके प्राइस बताएंगे. तो एग्जैक्टली प्राइस का तो भी बताएंगे नहीं, जब तक आप इनको प्रोडक्ट नहीं बताओगे तब तक ये आपको प्राइस नहीं बता सकते. थैंक यू मैम. थैंक यू भाई. जो बड़े बड़े सिलेंडर्स को उठाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वैसे कुछ जैक से ये वेट इट कैन हैंडल 3000 किलोग्राम. एंड व्हाट अबाउट कॉस्टिंग? 383 USD. 30,000 के अराउंड की मशीन है. और हाइड्रोलिक, इज दिस हाइड्रोलिक? ओके, तो भाई ये हाइड्रोलिक मशीन सेमी इलेक्ट्रिक. बचपन में हम यही टैटू सब यूज़ करते थे ना खेलने के लिए, यही सब टैटू छप रहे थे. हाउ दिस मशीन इज प्रिंटिंग दिस. Not that.
टैटू तो छप रहे लेकिन छप कैसे रहे? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे नीचे ये लैपटॉप लेके बैठा हुआ है एक भाई, और ये भाई पता नहीं क्या क्या प्रिंट करे जा रहा है, इधर से शीट निकल रही है और ये भाई धड़ाधड़ छापे जा रहा है। ये बंदे को देखो भाई कैसा बैग है, बंदा अपने आप ही बैग पर बैठ के चले जा रहा है। फुली PLC ऑटोमेटेड मशीनरी, बॉटल बन रही है भाई, ग्लास कटिंग। हेलो सर। हेलो, हाय मैम। लेजर कटिंग मशीन। ऑपरेटेड बाय हिम, यहाँ से ये ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ ये मशीनरी भाई साहब धड़ काटे जा रही है एक डिज़ाइन में। ऐसा लग रहा है किसी फैक्ट्री में आ गया हूँ, और यहाँ पे अलग अलग फैक्ट्री एक नहीं है, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग एग्जिबिटर्स को बुला के बिठाया हुआ है, हर किसी का अपना अलग बिजनेस फंक्शन है। बट इट सीम्स लाइक कि किसी फैक्ट्री में हूँ, फैक्ट्री नहीं फेयर है, हालांकि लगता फैक्ट्रीज के लिए है बट ये अपने आप में एक फैक्ट्री लग रही है। ये डी ब्लॉक से निकले भाई, उसके बाद आगे है ए ब्लॉक, फिर है बी ब्लॉक उसके बाद, और अभी जाने सी ब्लॉक में भाई। और रोड के उधर की तरफ है ए बी और डी ब्लॉक, रोड क्रॉस करके इधर है सी ब्लॉक, मतलब इतना ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है ना ये किंटॉन फेयर। ये सी ब्लॉक भी बहुत आगे तक होगा, रोड के दूसरी तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है काफ़ी आगे तक भी ए बी और डी ब्लॉक है। प्राइस फॉर दिस है भाई साहब, इंजन निकाल के रख दिया उन्होंने यहाँ। चाचा निकलना किधर से रहेगा? चाचा स्वीपर है, इलेक्ट्रॉनिक स्वीपर है भाई। यहाँ ना स्पेस राइड है, अब समझ आया चाचा को मजे क्यों आ रहे थे। 35 आम भी इंदू नहीं होगा, आप घूमते घूमते थक जाओगे। एक दिन में 15,000 स्टेप चल रहा हूँ। वो ग्लास है दिख नहीं रहा है, वो नीचे से दिखा। ये बहुत हेल्पफुल लोग हैं, इस भाई ने मेरी बहुत हेल्प की थी पीछे, ये एंड दिस एंटायर ग्रुप हेल्प मी अलॉट। ओ थैंक यू।